अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो फर्स्ट पार्ट है 4.68 इंटू 10 पावर 11 ओवर 2 इंटू 10 पावर माइनस 10। यहाँ पर इस तरह से करना है कि हमारे पास जो 10 पावर के बगैर नंबर्स हैं, यहाँ पर है 4.68 और नीचे है 2, तो सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी 4.68 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.34 इंटू 10 पावर, अच्छा 2.34 आ गया इसको जब डिवाइड करेंगे। तो अब मेरे पास है 10 पावर 11 और नीचे 10 पावर माइनस 10 है, इसको हम ले जाएंगे ऊपर तो 10 पावर प्लस 10 बन जाएगा। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 2.34 इंटू 10 पावर, अब क्योंकि बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 21। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। साइंटिफिक नोटेशन की पहचान क्या है कि पॉइंट से पहले हमारे पास एक डिजिट होना चाहिए, जिस तरह के यहाँ पर हमारे पास क्या है 2.2 है हमारे पास, तो 2.34 इंटू 10 पावर 21। अब सेकंड पार्ट 7.26 मल्टीप्लाई 7 इंटू 10 पावर माइनस 7 ओवर 3 इंटू 10 पावर 4। अब हम इसको लिखते हैं कि हमारे पास जो पावर के बगैर नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7.26 मल्टीप्लाइड बाय 7। सबसे पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50.82 10 पावर माइनस 7 ऊपर साथ लिखा हुआ है और नीचे हमारे पास है 3 इंटू 10 पावर 4। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, तो ये पावर के बगैर है और ये पावर के बगैर है, इनको डिवाइड करेंगे, यानी 50.82 डिवाइडेड बाय 3, तो इसकी डिवीजन से हमारे पास आ जाएगा 16.94 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 10 पावर, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस 4। तो ये बन जाता है 16.94 इंटू 10 पावर, अब इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो माइनस 7 माइनस 4 से आ जाएगा माइनस 11। और साथ ही इसको साइंटिफिक नोटेशन में अब कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में तकरीबन है लेकिन थोड़ा सा इसमें काम करना है, क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए और यह हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब पॉइंट को मैंने शिफ्ट करना है कहाँ पर, यहाँ पर मैंने शिफ्ट करना है, तो इसको मैं लेके जब जाऊँगा तो ये आ जाएगा 1.694 इंटू 10 पावर। मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो हम पावर में क्या करेंगे, जितने हम उसको जंप देंगे तो उतने हम उसमें पावर में प्लस करेंगे, तो अब हमने एक जंप दिया है तो 10 हमने पावर में एक प्लस कर दिया, तो ये आ जाएगा 1.694 इंटू 10 पावर माइनस 10, क्योंकि माइनस 11 प्लस 1 से आ जाएगा माइनस 10। अब है थर्ड पार्ट 9.63 इंटू 10 पावर 9 ओवर 6 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो सबसे पहले इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.63 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाता है 1.605 और आगे 10 पावर
9 है, और ये नीचे वाला 10 पावर माइनस 5 ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पावर प्लस 5 बन जाएगा। अब बेसिस सेम है 1.605, तो इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 9 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। तो अब ये हमारे पास देखिए कि साइंटिफिक नोटेशन में है, अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर दें। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट से पहले हमारे पास एक डिजिट है और यहाँ पर 10 पावर भी है, तो लिहाजा ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है। अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, 4.9 इंटू 10 पावर 7 प्लस 4.8 इंटू 10 पावर 6। अब यहाँ पर दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो प्लस करने के लिए ज़रूरी है कि इनकी पावर सेम हो। यहाँ पर देखिए पहले वाले में 10 पावर 7 है और यहाँ पर क्या है, 10 पावर 6 है। या तो दोनों को 10 पावर 6 बना दें या दोनों को 10 पावर 7 बना दें, तो जो आसान हो वही हम करेंगे। दोनों आसान है, किसी में कोई मसला नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जब हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे, जिस तरह ऊपर मैंने सॉल्व किया, तो पावर हम 1 ऐड कर देंगे। अगर हम ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो अभी हमारे पास बन जाएगा 4.9 इंटू 10 पावर 7 प्लस, अब पॉइंट जब इधर शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा 0.48 इंटू 10 पावर, अब इसके पावर में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम साथ में जो पॉइंट है इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट में, तो इनके पावर में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो इस 6 में 1 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 7। अब बेसिस सेम है, ये 10 पावर 7 यहाँ पर 10 पावर 7 है लेकिन बीच में प्लस साइन है, तो इसका मतलब ये है 10 पावर 7 जो है ये कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ रह जाएगा 4.9 और यहाँ पर रह जाएगा 0.48। तो अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है, यानी 4.9 प्लस 0.48 तो ये आ जाता है 5.38 इंटू 10 पावर 7। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है। अब लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 6.3 इंटू 10 पावर 4 मल्टीप्लाई 4.6 इंटू 10 पावर 5। यहाँ पर फोकस करें, ऊपर यहाँ पर प्लस था लेकिन यहाँ पर अब क्या है, मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई है तो पावर के बगैर नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6.3 मल्टीप्लाई 4.6 मल्टीप्लाई, अब 10 पावर्स को लिखेंगे, 10 पावर 4 और यहाँ पर 10 पावर 5 है, दोनों बेसिस सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब ये हमारे पास आ जाता है 6.3 मल्टीप्लाई 4.6, तो ये आ जाता है 28.98 इंटू 10 पावर 9। अब फिर से हमने क्या करना है, इस पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे, क्यों, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने लगे हैं, तो ये आ जाता है 2.898 इंटू 10 पावर, अब इसके पावर में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको लेफ्ट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2.898 इंटू 10 पावर 10। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है।